हेलो दोस्तों, गेम ऑफ लटर्न्स में मैं राज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आप जो एलजी का एलईडी टीवी देख रहे हैं, इसमें साउंड इशू है, ठीक है। तो ये सिर्फ जो आज मैं सोल्यूशन बताऊंगा वो सिर्फ एलजी टीवी पे लागू नहीं होगा, किसी भी कंपनी का कोई भी टीवी हो, ठीक है, उसमें साउंड सेक्शन में कुछ भी हुआ, बस स्पीकर आपका सही हो तो आप आवाज़ के लिए एक जो मैं बताऊंगा वो तरीका अप्लाई करें, बिल्कुल साउंड आने लगेगा, ठीक है। देखिए, टीवी जैसे कि ऑन है, ठीक है, टीवी चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको साउंड दिखा देता हूँ, साउंड भी लगभग फुल है, मैं आपको साउंड फुल करके दिखा देता हूँ, ठीक है, 100% है साउंड, और सेटअप बॉक्स से भी फुल है, मैं वहां से भी आपको ऊपर दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी साउंड काफी है, ठीक है, फिर भी साउंड नहीं आ रहा है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है, मैं इस पर सबसे पहले तो आप इसका जो 19 वोल्ट की सप्लाई होता है इसको रिमूव कर दें, ठीक है। आप ये भी देख रहे हैं, ये भी सही लगा हुआ है ये भी। उसके बाद आपको सबसे पहले ऑल ऑफ फर्स्ट स्पीकर चेक करना है, ठीक है। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लगाइए या फिर कोई कंटिन्यूटी टेस्टर से आप मल्टीमीटर के बदले भी कनेक्टिविटी टेस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको स्पीकर को यहाँ से आउट करिए, इसको आउट करिए, चेक कीजिए 45 ओम्स के आसपास रीडिंग आना चाहिए, ठीक है, 63 ओम, ठीक है, सही है, 45, 50, 60 सही है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ये स्पीकर सही है, दूसरा स्पीकर देखिए, दूसरा स्पीकर में बहुत ज़्यादा रीडिंग आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रीडिंग आ रहा है, लगभग 250। तो इस सीधा से दिया है आपका ये स्पीकर जो है वो ख़राब है, ठीक है। तो इसको आपको निकाल के दूसरा लगाना है, मार्केट में आपको दूसरा अवेलेबल होगा। अगर आप चाहेंगे तो एक से भी काम चलाना है तो आपको एक ही रहने दीजिए, एक से आपका काम चलेगा बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जब आपका टीवी खुला हुआ है तो आप दोनों स्पीकर को सही से टेस्ट करके दोनों स्पीकर को बदल दे तो ज़्यादा बेहतर हो। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस ये रबड़ थोड़ा सा कुछ दिन हो जाने पर हार्ड हो जाता है, तो उसको हल्का सा आप हीट करके भी निकाल सकते हैं या फिर नॉर्मली ऐसे उठा के भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ हॉट गन से हीट कर रहा हूँ, आप नॉर्मली धूप में या फिर 100 वाट का जो बॉल होता है एडिशन बॉल, उसके हीट से कर दें, हल्का हल्का हीट करना है, उतना ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, हीट निकल जाने के बाद दूसरा स्पीकर आप लगा दीजिए, ठीक है। नया स्पीकर जब लग जाए उसके बाद आपको क्या करना है, तत्काल थोड़ी देर के लिए मैं चलिए, अब देखिए आपको क्या करना है, इसको आप निकाल सकते हैं या फिर इस तरह भी रहने दीजिए। आपको कोई भी जो ब्लूटूथ स्पीकर जब आता है, कोई भी स्पीकर आप यूज़ करते होंगे, कोई भी सस्ता वाला भी आप ले सकते हैं, उसका उसके किट की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। उसके इन वाले पॉइंट में इसका कनेक्शन दे देना है और आउट वाले जो स्पीकर जुड़ता है वो आपको यहाँ यहाँ दे देना है, ठीक है। लेकिन इतना ना करके भी आप मार्केट से ये खरीद सकते हैं, ठीक है, छोटा सा ऑडियो बोर्ड, ठीक है, ये 5 वोल्ट का ऑडियो बोर्ड सप्लाई है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके कनेक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ ताकि आप भी इसको आसानी से लगा पाएँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेफ्ट और राइट प्लस माइनस, ठीक है, यानी लेफ्ट स्पीकर का प्लस माइनस पॉइंट ये हो गया, राइट स्पीकर का प्लस माइनस पॉइंट ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट प्लस माइनस, यानी 5 वोल्ट की सप्लाई आपको यहाँ पे देना है, और 5 वोल्ट का सप्लाई आपको कहाँ से देना है तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यूएसबी के पास 5 वोल्ट मिलता है, ठीक है, यूएसबी जो है सभी 5 वोल्ट पे काम करते हैं, तो आपको यहाँ से 5 वोल्ट प्लस और माइनस ले लेना है, ठीक है। उसके बाद बजाय इनपुट, ठीक है, इनपुट यहाँ पर देखिए लेफ्ट राइट और ये जो टी बना है ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये कॉमन टर्मिनल जो होता है यहाँ से आता है इसमें लेफ्ट, ठीक है, जैसे ये एक इसमें लेफ्ट राइट में जाएगा और ये इस दोनों का जो ग्राउंड का कॉमन जो होगा वो यहाँ टी पे जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका कनेक्शन करके अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो काट के यहाँ से हटा लें, उसके बाद राइट स्पीकर, ठीक है, के पॉइंट पे ये राइट वाला और लेफ्ट के पॉइंट पे लेफ्ट वाला को कनेक्ट कर लें। जब स्पीकर का तार कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो आपको एक बार फिर से सप्लाई देना है। सप्लाई देने के बाद यूएसबी पे देखना है कि आपको प्लस
किधर मिल रहा है और ग्राउंड किधर है। देखिए मैंने इस तरह लगाया, ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है और वो वाला पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं उल्टा लगाऊंगा, गौर से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा माइनस दिखेगा आपको, देखिए -5 वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि ये उल्टा लगा हुआ है, मीटर का जो प्रोब लगा हुआ है उल्टा लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसी हिसाब से क्या करना है, कनेक्ट करना था। गलती से भी उल्टा आपको लगाएंगे तो किट आपको ख़राब हो सकता है जो, ठीक है। तो उधर प्लस है, इधर माइनस है, फिर इसको आप निकाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए 5 वोल्ट सप्लाई के लिए आप तार जोड़ लीजिए और उधर प्लस देना है आपको, ठीक है। प्लस हो गया और इधर माइनस, ठीक है। प्लस माइनस भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये लेफ्ट और राइट का है, ठीक है। लेफ्ट और राइट पिन के पास ही आपको, ठीक है, इसका कनेक्शन करना है। तो किट को ऐसे सबसे सारे इसको रिमूव कर लीजिए यहाँ से। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्लियर करके, कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है और कौन सा ग्राउंड है। देखिए ये वाला पोर्शन आपका जो ग्राउंड है, ठीक है। तो इसका ग्राउंड वाला जो टर्मिनल है आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब राइट और लेफ्ट में कोई कहीं भी जोड़ सकता है, लेकिन फिर भी रेड वाला जो राइट है उसको आप क्या करें, यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। जो ये वाइट वाला है वो लेफ्ट का होता है सर, तो आप इसको यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है। कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दे दिया गया है, ठीक है। अब मैं एक बार आपको इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सभी केबल्स को सही से कनेक्ट करें तब जाकर सप्लाई दें। तो मैं अब इसको सप्लाई देने जा रहा हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे हैं दोनों स्पीकर प्रॉपर तरीके से बज रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। और कोई भी सुझाव हो तो जरूर बताएं। अब उसके बाद ये जो पीसीबी आपने लगाया, ऑडियो किट आपने लगाया, उसको कहीं भी किसी भी ग्लू के माध्यम से, आप चाहें तो ग्लू गन के हेल्प से चिपका दीजिए, ठीक है, या फिर ऐसी जगह की बॉडी लगाने से दिक्कत ना करे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, एक स्पंज के माध्यम से लगाए ताकि नीचे का जो ट्रैक है वो शॉर्ट ना हो, ठीक है। तो इसी तरह आप भी चिपका दें कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको सहूलियत हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो जरूर जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।